डिजाइन बाई HB। क्रिस क्रॉस करके क्या पैटर्न डिजाइन बनी हुई है, यहाँ कुछ बना हुआ है लेकिन इसमें मैंने सोचा था कि भाई इसमें स्पीकर है लेकिन स्पीकर नहीं है। और आज क्या है, हमारे कीपर के कुछ हाथ पे लगी हुई है और 155 वोल्ट का एडाप्टर है तो वो उन्होंने मना कर दिया कूलिंग पैड के साथ। सोचो अगर विदाउट कूलिंग पैड होगा तो 90 डिग्री तक आराम से CPU टेम्परेचर जाएगा। विक्टर सयार, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सेव टेक स्मार्ट में। सो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों की कॉफी डिमांड पे फर्स्ट टाइम लेके आ गया हूं इस चैनल पे, ये है HP Victus 15S FA0165TX। तो करते हैं इस बॉक्स को अनबॉक्स और टेस्ट करते हैं इसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक 60,000 के बजट में गेमिंग लैपटॉप बाय करने की सोच रहे हो तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो फटाफट बॉक्स को कर लेते हैं ओपन। बॉक्स को ओपन करने से पहले इस लैपटॉप की अगर मैं मैन्युफैक्चर डेट की बात करूं तो दिसंबर 2022 और जो बॉक्स पे MRP दी हुई है वो है अराउंड 87,000। तो फ्रेंड्स, बॉक्स कंटेंट की बात करें तो एक यूजर मैनुअल और एक 155 वोल्ट का एडाप्टर और फ्रेंड्स एक प्रीमियम क्वालिटी की पावर कॉर्ड और यह है फाइनली अपना लैपटॉप। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस गेमिंग लैपटॉप के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। तो CPU की बात करो तो इंटेल i5-12450H प्रोसेसर दिया हुआ है, 8 कोर 12 थ्रेड और 12 MB की कैश मेमोरी दी हुई है। ये प्रोसेसर 4 परफॉर्मेंस कोर और 4 एफिशिएंसी कोर के साथ आता है। नेक्स्ट मेमोरी की बात करें तो 8GB की DDR4 3200 MHz की सिंगल चैनल की रैम देखने को मिल रही है और फ्रेंड्स आप मैक्सिमम अपग्रेड कर सकते हो 32GB तक है। स्टोरेज ऑप्शंस 512GB की PCI NVMe TLC M.2 SSD मिल जाती है और आप मैक्सिमम अपग्रेड कर सकते हो 2TB तक है। रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स, कनेक्टिविटी की बात करें तो लेटेस्ट वाईफाई 6E और ब्लूटूथ 5.2 दिया हुआ है तो आपको नेट की काफी अच्छी स्पीड मिल जाएगी। इंटीग्रेटेड GPU की बात करो तो इंटेल USD ग्राफिक्स दिया हुआ है, 4GB की शेयर्ड मेमोरी के साथ आता है। और वहीं डेडिकेटेड GPU की बात करो तो NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR6 ग्राफिक्स कार्ड मिल जाता है। ग्राफिकल परफॉर्मेंस आपको गेमिंग वाले पार्ट में पता चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस CPU की एक्चुअल परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए मैंने इसमें कुछ बेंचमार्क स्कोर टेस्ट किए हैं। तो सबसे पहले Cinebench R23 के स्कोर आप देख सकते हो और ये है Geekbench 5 के CPU स्कोर और ये है GPU स्कोर्स। तो फ्रेंड्स, इसमें H प्रोसेसर लगा हुआ है इसी वजह से इतने शानदार तगड़े स्कोर देखने को मिल रहे हैं। फ्रेंड्स, ये इस लैपटॉप के वेबकैम की क्वालिटी, HD वेबकैम दिया हुआ है और मुझे वेबकैम की क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी प्रकार लैपटॉप से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ और अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं वो इसी के वेबकैम से रिकॉर्ड हो रही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस लैपटॉप की सुंदरता की बात कर लेते हैं तो सेंटर में ही विक्टस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। ओवरऑल इस लैपटॉप की अगर मैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो डिजाइन काफी शानदार देखने को मिल रही है। ओवरऑल फ्रेंड्स, इस लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी दी हुई है वो टोटल प्लास्टिक बिल्ड से बना हुआ है लेकिन मैं आपको बता दूं बिल्ड क्वालिटी काफी औसम मिल रही है। जैसे ही मैं टॉप लिड को प्रेस कर रहा हूं तो मेरे को हल्का सा फ्लेक्स देखने को मिल रहा है, वहीं अगर मैं कीबोर्ड को प्रेस कर रहा हूं तो मेरे को कीबोर्ड में भी माइनर सा फ्लेक्स देखने को मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, ओवरऑल इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी काफी औसम दी हुई है और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ विक्टस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और फ्रेंड्स पीछे की तरफ काफी सारा एयर एग्जॉस्ट दिया हुआ है और ये लैपटॉप 2.2 kg के साथ आता है। अब गेमिंग लैपटॉप है तो इतना सा वेट तो रहेगा ही। और यहाँ कॉर्नर में डिजाइंड एंड इंजीनियर्ड बाई HP की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और फ्रेंड्स इस लैपटॉप के बैक पैनल में 2 रबर ग्रिप दी हुई है और आप देख सकते हो काफी सारा एयर वेंट देखने को मिल रहा है और ये लैपटॉप 2 फैन सेटअप के साथ आता है। अब यार गेमिंग लैपटॉप है तो कूलिंग के लिए 2 फैन तो चाहिए ही चाहिए और यहाँ आपको थर्ड पार्टी लोगो भी देखने को मिल जाता है। इस लैपटॉप में विंडोज 11 प्री इंस्टॉल लाइफ टाइम के लिए मिल जाती है, साथ ही आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। और इस लैपटॉप के राइट साइड पोर्ट्स की बात करूं तो HDMI 2.1 पोर्ट दिया हुआ है और इस पोर्ट से अगर आपको आउटपुट लेना है तो फ्रेंड्स 4K तक का आउटपुट ले सकते हो डिस्प्ले के लिए और जो आउटपुट आपको मिलेगा वो डेडिकेटेड GPU से मिलेगा। वहीं इसमें एक टाइप सी पोर्ट भी दिया हुआ है, उससे अगर आप आउटपुट लेते हो डिस्प्ले का तो फ्रेंड्स इंटीग्रेटेड GPU से आपको आउटपुट मिलेगा। और 1 USB 3.2 टाइप ए पोर्ट दिया हुआ है और फ्रेंड्स RJ45 पोर्ट भी मिल जाता है और फ्रेंड्स LED इंडिकेटर्स दी हुई हैं और वही लेफ्ट साइड में पावर इनपुट का पोर्ट दिया हुआ है, 1 USB 3.2 टाइप ए का पोर्ट मिल जाता है और फ्रेंड्स सबका प्यारा 3.5 mm ऑडियो जैक और लास्ट में HD कार्ड रीडर स्लॉट मिल जाता है।
तो फ्रेंड्स काफी टाइम से सिंगल हैंड से लैपटॉप ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ और अधिकतर लैपटॉप सिंगल हैंड से ओपन नहीं हो रहे थे, तो आज एक गेमिंग लैपटॉप है तो देखते हैं इसे सिंगल हैंड से ओपन करके। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हो सिंगल हैंड से टॉप लिड आसानी से ओपन हो गई है, वो इसी वजह से क्योंकि वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है और स्क्रीन बबल आपको इतना देखने को मिलेगा और मैक्सिमम आप टॉप लिड को यहाँ तक ले जा सकते हो। तो फ्रेंड्स इस लैपटॉप की हिंज की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी दी हुई है लेकिन स्क्रीन बबल यार इतना देखने को मिल रहा है। और फ्रेंड्स आगे की तरफ भी विक्टस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और आगे की तरफ भी कुछ क्रिस क्रॉस करके डिजाइन बनी हुई है। मैंने सोचा था शायद स्पीकर दिए हुए हैं लेकिन स्पीकर बॉटम में ही देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स इस लैपटॉप की अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं, परफॉर्मेंस ब्लू कलर का कीबोर्ड दिया हुआ है फुल साइज का, सिंगल कलर की RGB देखने को मिलेगी। वैसे सही है यार, सिंगल RGB में कोई टेंशन ही नहीं है, चलाना है तो चलाना है नहीं तो ऑफ कर दो। और फ्रेंड्स इस कीबोर्ड की अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो काफी टिक्टाइल सा फील हो रहा है, 1.4 mm का की ट्रेवल स्पेस दिया हुआ है। और फ्रेंड्स वहीं इस लैपटॉप की अगर मैं ट्रैक पैड की बात करूं तो गेमिंग लैपटॉप है यार, इतना लार्ज साइज का ट्रैक पैड है। अब HP वाले हैं, दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। HP मेज पैड दिया हुआ है जो मल्टी टच जेस्चर और प्रसिजन टच को सपोर्ट करता है। और फ्रेंड्स इस लैपटॉप के पाम रेस्ट पे विक्टस प्रोसेसर ग्राफिक्स और बियंडो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। 3 साइड नैरो बेजल्स दिए हुए हैं और इस लैपटॉप की अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो 15.6 इंच की 1080p IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है जिसकी ब्राइटनेस 250 nits है और कलर गैमट 45% NTSC मिल जाता है। और फ्रेंड्स ये डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है, 9 ms का रेस्पॉन्स टाइम मिल जाता है और वीडियो क्वालिटी आप देख सकते हो, वीडियो क्वालिटी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स उसी सेम फुटेज के साथ इस लैपटॉप में भी वीडियो रेंडर करने जा रहा हूं जो मैं हर लैपटॉप में टेस्ट कराता हूं। तो देखते हैं आज एच प्रोसेसर और 1650 ग्राफिक्स कार्ड के साथ ये लैपटॉप वीडियो रेंडर करने में कितना टाइम लगाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो रेंडर हो चुका है और जो टाइम लगा है 1 मिनट। यही उम्मीद थी मुझे इस लैपटॉप से, ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छी निकल के आई है। और इसी के साथ इस लैपटॉप की बूटिंग स्पीड भी टेस्ट करके देख लेते हैं कि एक गेमिंग लैपटॉप बूट होने में कितना टाइम लगाता है। तो लैपटॉप बूट हो गया और बूट होने में 13 सेकंड का टाइम ही लगा है। अब एक गेमिंग लैपटॉप है, इतना सा टाइम तो लगेगा ही। वैसे मैंने बैटरी बैकअप पे जब इस लैपटॉप पे गेम प्ले किया था तो अराउंड 2 से 2.5 घंटे में बैटरी कंप्लीट खत्म हो गई थी। और फ्रेंड्स आपको तो बताइए कि अगर लैपटॉप से एक्चुअल परफॉर्मेंस अगर आपको देखनी है तो चार्जर के साथ आप गेम प्ले कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ओवरऑल इस लैपटॉप की अभी मैंने आपको परफॉर्मेंस और Geekbench 5 के स्कोर अभी आपको बताए, ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिल रही है लेकिन ये गेमिंग लैपटॉप है तो गेम प्ले करना तो बनता ही है, तो उससे पता चलेगा इस लैपटॉप की एक्चुअल परफॉर्मेंस का। तो सबसे पहले मैं इसमें प्ले करने जा रहा हूँ GTA 5, हाई सेटिंग्स पे प्ले करूंगा तो देखते हैं कैसी क्या फ्रेम रेट देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हो फुल HD रेजोल्यूशन के साथ 140 प्लस FPS की फ्रेम रेट देखने को मिल रही है और CPU टेम्परेचर 80 डिग्री तक जा रहे हैं। और नेक्स्ट मैं इसमें प्ले करने जा रहा हूँ Forza Horizon 5, देखते हैं कैसी क्या फ्रेम रेट देखने को मिलती है।
तो जैसा कि आप देख रहे हो हाई सेटिंग्स पे 80 एफपीएस की फ्रेम रेट मिल रही है और सीपीयू टेम्परेचर 70 डिग्री तक जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट में मैं इसमें प्ले करने जा रहा हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी, तो देखते हैं इसमें कैसी क्या फ्रेम रेट देखने को मिलती है। Good to see you, mate. Take one of the rifles from the table. You know the drill. Go to station one and aim your rifle downrange. तो जैसा कि आप देख पा रहे हो 150 एफपीएस की फ्रेम रेट देखने को मिल रही है और सीपीयू टेम्परेचर जा रहे हैं 80 डिग्री तक है। तो जैसा कि आपने देखा मैंने ये सारे गेम कूलिंग पैड पे प्ले किए थे और फ्रेंड्स अगर आप विदाउट कूलिंग पैड अगर ये गेम प्ले करोगे तो अराउंड 90 डिग्री के आसपास सीपीयू टेम्परेचर जाएंगे और अप्रोक्स 30 एफपीएस की फ्रेम रेट ड्रॉप देखने को मिलेगी। तो मेरा पर्सनल सजेशन यही है जब भी आप गेम प्ले करो तो कूलिंग पैड के साथ ही प्ले करना, क्योंकि आपको तो पता ही कि गर्मी आने वाली है तो सीपीयू टेम्परेचर हाई बहुत रहने वाले हैं। तो कूलिंग पैड अगर आप अभी तक बाय नहीं किया है तो बाय कर लेना। ओवरऑल फ्रेंड्स मैंने इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस आप लोगों को टेस्ट कराई, वीडियो रेंडर, गेमिंग परफॉर्मेंस, ओवरऑल मैंने सब कुछ टेस्ट करके अभी आपको बताया। ये लैपटॉप अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है। अभी ये लैपटॉप ऑनलाइन पे लिस्टेड हुआ है 65,000 में। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरा पर्सनल सजेशन लेना चाहते हो तो थोड़ा सा फ्रेंड्स अपने बजट को इंक्रीज करना रहेगा। आप 30-50 के लिए जा सकते हो क्योंकि आपको तो पता ही कि तकरीबन 100+ GB के गेम आने लग गए हैं आजकल और 2023 चल ही रहा है, तो थोड़ा सा बजट को इंक्रीज कर लेना। ये लैपटॉप मैं उन ऑडियंस के लिए बोलना चाहता हूँ जिनका टाइट बजट रहने वाला है और 60,000 से वो ज्यादा पे नहीं करना चाहते। तो फ्रेंड्स इस लैपटॉप की ओवरऑल मुझे सब कुछ बेस्ट देखने को मिला। एक हल्का सा मेरे को इस लैपटॉप में ड्रॉबैक देखने को मिला है, वो है इसकी स्क्रीन बबल, वो तो यार कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। 60,000 के बजट में इस लैपटॉप के लिए आप जा सकते हो। तो फ्रेंड्स आप इस लैपटॉप में कौन कौन से टास्क रन कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। फोटोशॉप एडिटिंग, कोडिंग, 4K की एडिटिंग भी आप बटर स्मूथ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और कई नए यूजर्स को ऐसा रहेगा कि ये विक्टर से कौन सा ब्रांड है, तो मैं आपको बता दूं HP पेविलियन सीरीज के लैपटॉप आते हैं, HP एनवी के आते हैं, HP ओमेन आती है। तो फ्रेंड्स HP ने कम बजट में गेमिंग सीरीज लॉन्च की है विक्टस से, तो फ्रेंड्स आप इसके लिए जा सकते हो और 1 ईयर की होम सर्विस वारंटी मिली जाएगी। इस लैपटॉप के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताना। मैं मिलता हूं आपको किसी और धमाकेदार लैपटॉप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।